मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 190 वर्ष की ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर और ब्रिटिशर्स के जाने तक का 190 वर्ष के कार्यकाल में जिन महान क्रांतिकारियों ने अपना जीवन आहूत किया देश की स्वतंत्रता के लिए, और उनको इतिहास में कुछ जानता नहीं, पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, उन सबको मैं आपके सम्मुख लाने का प्रयास कर रहा हूं। काफी बहुत सारे इस काल के वो महान अज्ञात, अल्पज्ञात, पूरी तरह से अज्ञात ऐसे सब नायक और नायिकाओं को मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। वो एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी संघर्ष की कहानी, इन रियल सेंस वास्तव में जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया और उनको इतिहास में ना बताना ना पढ़ाना ये जो पाप हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन काले अंग्रेजों ने, कांग्रेसियों ने, कम्युनिस्टों ने मिलकर के जो इस देश के साथ द्रोह किया है, ये देशद्रोह से भी बड़ा कलंक है, पाप है। कोशिश करते हैं दोबारा से इन लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा और आज का समाज जो है उससे वो अवगत भी होगा। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, मेरा ये प्रयास लगभग एक साल से चल रहा है और लगता है कि अभी 2 साल और लगेंगे, क्योंकि इस 190 वर्ष के इतिहास के अभी कुछ और क्रांतिकारी नायक और नायिकाओं को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर सिंध के राजा दाहिर तक पहुँचूँगा। इतना लंबा काल जो है 700-800 नायक नायिकाएं, वो जिनको कोई नहीं जानता, जिन्होंने स्वयं या फिर किसी के नेतृत्व में इस देश के लिए अपना प्राण निछावर किया। बड़ी बड़ी लड़ाइयां, छोटे छोटे संघर्ष, उन सबके अंदर जान निछावर करने वाले ऐसे लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। मतंगनी हाजरा का मैंने एक किश्त आपके सामने रखा। मतंगनी हाजरा देश की उन वीरांगनाओं में से है जिन्होंने 73 वर्ष की आयु में शरीर गोलियों से छलनी होने पर भी तिरंगा नीचे नहीं जाने दिया, नहीं झुकने दिया, और हंसते हंसते ब्रिटिश क्रूरता के खिलाफ लड़ती रही। मैंने कल के एपिसोड में एक आपके सामने सारा विषय रखा था, जहां हम पहुंचे थे इस महान क्रांतिकारी नायिका की कमाल है, किस आयु में क्या क्या कर रही थी। ये 18 वर्ष की आयु में विधवा हो गई, उसके बाद एक लंबा अंग्रेजों के साथ लड़ने का पूरे का पूरा, किस प्रकार से शेरनी की तरह गरजती थी और हर गली मोहल्ले में जाकर के महिलाओं को वैसे ही शेरनी बनाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ रही थी। मैंने बताया था कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अब अंग्रेज वो क्या चाहते थे, भारतीय लोग क्या चाहते थे, भारत के नेता क्या चाहते थे, उस समय जो हो रहा था उसमें विद्युत वाहिनी नाम की संस्था बना करके किस प्रकार अंग्रेज सरकार के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए और गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करने के लिए विद्युत वाहिनी नाम की संस्था बना करके और काम करती थी। बहुत बिजली की तरह कौनती हुई आगे निकल जाती थी और कभी कभी पुलिस वालों को ऐसा चकमा देती थी, वंचिका देती थी कि वो भी हैरान होते थे
और इस सब का मजा लेते हुए, संघर्ष करते हुए, सजा भुगतते हुए कई बार जेल हो आए थे, लेकिन 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के मुख से भी शोले उगलने लगे। महात्मा गांधी के मुंह से भी क्या कहा उन्होंने, करो या मरो। इसके पहले भाई बस इतना ही था कि जाओ और मार खाओ, कुछ भी हो, हाथ नहीं उठाना, अंग्रेजों का प्रतिकार नहीं करना, बस केवल सहना है। लेकिन माहौल क्रांतिकारियों ने पूरे देश के अंदर बदल दिया हुआ था। कांग्रेस के अंदर भी उस प्रकार की चर्चा हो रही थी और महात्मा गांधी भी 2-3 बड़े बड़े आंदोलन करने के बाद भी उसको लगता था कि भाई अब कुछ नहीं हो रहा, तो आखिर में ये कह करके गए, डू एंड डाई, करो या मरो। भारत इस आंदोलन में जरूर खड़ा हुआ, पूरे देश के अंदर ठीक ठाक इसके लिए सत्याग्रह हुए, बूढ़े जवान, स्त्री पुरुष महिला बच्चे बूढ़े, बहुत लोगों ने इसके अंदर भाग लिया और सारे नेता जेल में ठूंस दिए गए। और इस आंदोलन की एक और विशेषता थी कि पता था कि नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा, आम आदमी इसका नेतृत्व करेगा। ये विचार लेती हुई और इस विचार को लेकर के आगे बढ़ती हुई मतंगनी हाजरा सब जगह पहुंच रही थी और उसने निश्चय कर लिया था कि सबसे पहले वो तामलुक नगर के मुख्य थाने में जाएगी, वहां पर तिरंगा लहराएगी। 28 दिसंबर को मतंगनी हाजरा के साथ चल रहे कार्यकर्ताओं ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने 29 सितंबर को सड़कों पर वृक्ष काट काट के डाल दिए गए। जहां वृक्ष नहीं थे वहां पर टेलीफोन की, बिजली की तारें गिरा दी गई ताकि अंग्रेज फोर्स पीछे से बड़ी संख्या में ना आए और हम यहां पर तिरंगा हमने लहरा दिया, देश को हमने इतने हिस्से को तो स्वतंत्र करा दिया। क्या विचार रहा होगा, क्या साहस रहा होगा, क्या हिम्मत रही होगी। 29 सितंबर 1942 को दोपहर के समय लगभग 5,000 स्त्री पुरुषों के जुलूस का नेतृत्व करती हुई मातंगनी हाजरा तामलुक पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ी। पुलिस चौकन्नी थी, पुलिस को शंका भी हो गई थी, रातों रात सूचना भेजकर भारी मात्रा में फौज बुला ली गई थी। 29 सितंबर को दिन की पहली किरण के साथ ही सारा नगर फौजी छावनी बन गया, दिखाई पड़ रहा था कि ये फौजी फौज है चारों तरफ। जुलूस को बानकपुर के पास घेर लिया गया, वो जो 5,000 स्त्री पुरुषों का मातंगनी हाजरा के नेतृत्व में जो जुलूस चल रहा था उसको फौज ने घेर लिया, लाठी चार्ज आरंभ हुआ। लेकिन ये वृद्धा बूढ़ी मातंगनी हाजरा के उत्साह और अपार जनसमूह के सामने लाठी बरसाना भी प्रभावहीन रहा, उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। वंदे मातरम, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों से की गूंज से जलूस दीवानी जो अदालत थी उसकी ओर बढ़ रहा था। भारी संख्या में फौज बंदूक के ताने पहले से खड़ी थी, अपार जनसमूह के सामने ब्रिटिश अधिकारी भी घबराए हुए थे। मातंगनी हाजरा ने जलूस में शामिल हुए समूह के सामने जोशीला भाषण दिया,
इसके बाद इनके सामने जो बंदूकें ताने भारतीय सिपाही भी थे उनको एक विशेष संबोधन से बोला, उनको एक संकेत दिया। क्या बोला? ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी करते करते यदि आपकी रगों में लेश मात्र भी भारतीय खून शेष रह गया हो तो फेंक दो ये बंदूकें और आ जाओ हमारे साथ, वरना भारत माँ के साथ गद्दारी के पाप का फल तुम्हें भोगना ही होगा, भुगतना ही पड़ेगा। भावुकता की दृष्टि से भी और वास्तविकता की दृष्टि से भी ये शेरनी गरज रही थी, बंदूक के ताने फौजी खड़े हैं और उन फौजियों में जो भारतीय सिपाहियों को संबोधन किया वो इस तरीके से किया। तभी जलूस के अंदर धाई की एक आवाज के साथ एक गोली भीड़ में एक छोटे बच्चे को, एक छोटे बच्चे को पेट को चीरती हुई निकल गई। जनसमूह तो कफन बांधकर आगे बढ़ रहा था, आज तो बहुत बड़ी कुर्बानियों की के लिए तैयार थे और नया इतिहास लिखा जाने वाला था। एक के बाद एक गोलियों का शिकार होते जा रहे थे। जनसमूह वंदे मातरम का जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहा था। स्थिति को बिगड़ता देख मतंगनी को भी निशाना बनाया गया। उन पर भी एक गोली एक बाजू को लगी, एक हाथ को लगी। एक हाथ से तिरंगा पकड़े हुए कुछ कदम आगे बढ़े तो दूसरी गोली लगी, दूसरी गोली भी दूसरे हाथ को लगी। तिरंगा छाती के साथ चिपका करके दोनों हाथों में खून से लथपथ मतंगनी हाजरा बहुत बड़े जनसमूह के साथ आगे बढ़ रही है और कोई उत्साह में कमी नहीं। फिर एक गोली उनके सर पर लगती है और वो सर पर लगने वाली गोली जो है बेहोश होकर गिर जाती है। वंदे मातरम का नारा फिर भी गूंजता रहा। तिरंगा इसके पहले कि दोनों हाथ और अब बेहोश होने की स्थिति में तिरंगा इससे पहले कि गिरता, एक 14 वर्षीय बालक ने वो तिरंगा थाम लिया। क्रूर दरिंदों की गोलियों ने उस मासूम बालक के शरीर को भी छलनी कर दिया। इस प्रकार देश की आन पर और तिरंगे की शान पर कितने ही स्त्री पुरुष जिन्होंने अपना जीवन निशावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। मतंगनी हाजरा स्वाधीनता संग्राम के महायज्ञ में अपने जीवन की आहुति देकर सदैव के लिए हमेशा के लिए अमर हो गई। राम सिंह दिनकर महाकवि ने ये पंक्तियां शायद मतंगनी हाजरा के भावों को ही व्यक्त कर रही हैं। क्या है ये पंक्तियां? मेरे पुत्रों को ये पैगाम दे देना, जरा बेटा मत मिटो देश की खातर मेरे लखते जिगर बेटा। जना करती हैं जिस दिन के लिए औलाद माताएं, जना करती हैं जिस दिन के लिए औलाद माताएं, मेरे शेरों से कह देना कि ये दिन आ गया बेटा। कुर्बानी का, बलिदान का बहुत बड़ा प्रतीक स्वयं तो वो बनी गई थी। 18 वर्ष की आयु में विधवा हो जाने वाली औरत 73 वर्ष के मैं ये गोलियों से छलनी हो करके देश की आज़ादी के लिए, इस बीच में सारा मैंने कल के एपिसोड में बताया था कि कितनी गोलियां, कितनी जेलें, कितना लाठी चार्ज, कितने दंड, कितना अपमान,
कितना संघर्ष, कितना अंग्रेजों का अत्याचार। 73 वर्ष की आयु में भी वो युवाओं की तरह, युवतियों की तरह, महान नायक और नायकों की तरह उनसे भी आगे बढ़ के मातंगिनी हाजरा अपने जीवन की यात्रा पूरी कर रही थी। जिन ऐसे महान आत्माओं के कारण देश को आजादी मिली उनका नाम कहीं नहीं। कोशिश रहेगी कि ऐसे 700-800 जो लोग हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं जितने ढूंढ पाऊंगा, 22 को बदले जाने वाली शिक्षा नीति के अंदर हम कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे सरकार से कि ये सारे जो नायक नायिकाएं हैं इनको हर क्लास में किस काल के क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को पढ़ाना है, नायक और नायिकाओं का परिचय कराना है। आप फर्स्ट से शुरू कर दीजिए ना, MPhil PhD में भी ये सारा बराबर चलता रहे ना। 20-30-50 क्रांतिकारी, 700-800 अगर देने हैं तो 20-30-50 क्रांतिकारी हर क्लास में पढ़ाए जाने चाहिए ना। ये एक प्रयास सोच करके मैं लगा हूं, और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, हमें बताया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी VIP थी, बहुत कुछ उनके बारे में मैं समय समय पर बता रहा हूं आपको, लेकिन इन महान क्रांतिकारियों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इनको स्मरण कर रहे हैं, इनको ढूंढ के लाने की कोशिश हो रही है, उस प्रयास में मैं निरंतर लगा हुआ हूं। ईश्वर की कृपा से मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। आप सबका सहयोग है, आप सबको भी ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा, और अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आप शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।